तो मुसाफिर स्क्वाड इस संडे को हम लोग करने वाले हैं हम लोगों का संडे ड्राइव, यानी कि 7 अगस्त 2022 को लेपर्ड ट्रेल इन अरावली हिल्स में हम लोग जा रहे हैं। ये हमारा एक न्यू लोकेशन है जो हमने एक्सप्लोर करी है। फर्स्ट मीटअप पॉइंट है धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन नियर 24/7, यहाँ पर हम 6 से 6:30 तक रुकेंगे। सेकेंड मीटअप पॉइंट है कॉर्नर वॉक M3M मॉल पार्किंग के बिल्कुल जो है उसके पास हम मिलेंगे, बिफोर मानेसर टोल है, यहाँ पर आप लोग मिल सकते हैं। 7 से 7:30 तक यहाँ पर हम रुकेंगे। एंड में हम लोग जाने वाले हैं टोरा कैफ़े, और टोरा कैफ़े में जाने के बाद जो है हम लोग वहाँ पर ही सब पूरा मेजर मीटअप करेंगे। इस पूरे जो हमारी ड्राइव है इसमें किसी भी तरीके की ऑफ रोडिंग नहीं है, आप नॉर्मल गाड़ियाँ लेके आ सकते हो, कोई भी ऑफ रोडिंग वाला सीन नहीं है। जल्दी आओ और पार्ट बनो इस मज़ेदार। वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। अपनी न्यू गाड़ी यानी कि महिंद्रा X7 में एक नया अपग्रेड हम लोग करवा रहे हैं, और ये जो अपग्रेड है ये OEM प्लस है। उसका क्या रीजन है OEM प्लस बोलने का, मैं इसमें जो एसेसरीज लगा रहा हूँ वो सारी की सारी कंपनी की तरफ से मैंने खरीदी थी। जब मैंने गाड़ी को परचेज किया था तब मैंने आगरा से खरीदी थी, और अभी मैं लगवाने जा रहा हूँ द्वारका, मतलब द्वारका से निकले थे अभी हम लोग थोड़ा सा काम निपटाते हुए करौल बाग में। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मोती नगर, और मोती नगर में हम लोग जाएंगे श्री दुर्गा में, और वहां पर जो है हम ये एसेसरी का काम करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं, एसेसरी पीछे पड़ी हुई है, और मैं इसको लोकल मार्केट कहीं से इसलिए नहीं लगवा रहा हूँ, उसका एक स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि भाई मैंने इवन स्कप प्लेट जो है वो लाइट वाली स्कप प्लेट्स खरीदी है। अब पता नहीं कितने लोगों ने आपको दिखाया कि नहीं दिखाया, उसमें XUV 700 के ऊपर लाइट जलेगी बड़ी अच्छी सी। तो होप फॉर दी बेस्ट कि सब कुछ अच्छी तरीके हो जाए, और कंपनी से कराने का फायदा यही है कि भाई सुनवाई जो है वो हो जाती है, हाँ भाई हमारे वहीं से काम हुआ था। सो लेट्स गो। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, आगे देखो भाई आप लोग इस गाड़ी में। ये मेरा अभी सिटिंग पोस्चर है इसमें करेंटली, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ऊपर बैठ के से थार में आता था, तो मैं इसमें भी आगे ऊपर थोड़ा बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ। गाड़ी अभी तक चल चुकी है 562 किलोमीटर, देखो एक बार पास से दिखा देंगे आपको, मात्र 562 किलोमीटर चली है। ये हमारी सबसे कम चलने वाली गाड़ी है अभी तक, नहीं तो 1000 से ऊपर चल जाती। मेरे बैक वाली वो इंजरी नहीं आई होती तो मैं सही से चला चुका होता, लेकिन नाउ आई एम डूइंग गुड, अच्छी तरीके से रिकवरी हो रही है। सो होप फॉर द बेस्ट, सब कुछ बहुत बढ़िया हो। सीधे पहुंचते फिर मिलते हैं। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। लोग आ चुके हैं यहाँ पर, मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ग्लांस दे देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अब ये ना पर्टिकुलरली क्रोम नहीं होता, ये आपका सिल्वर फिनिश होता है जो कंपनी से आता है। अब अगर आप बाहर से ये चीज खरीदोगे तो ये क्रोम में मिलती है, तो ये एक फ़र्क है कंपनी से खरीदने में और एक बाहर से खरीदने में। ये पीछे की जो पट्टी होती है ये भी आप लोगों की सिल्वर फिनिश के अंदर होती है। ये बेसिकली अगर आप बड़े वाले सूट के अंदर डालते हो ना तब आप लोगों को जो है थोड़ा ईज हो जाए। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको उजाले में दिखाता हूँ, देखो ठीक है, आपको फ़र्क इसमें देखने को मिलेगा। और जिन लोगों को डोर वाइजर सनवाइजर का फ़ायदा नहीं पता भाई, देखो एक तो होता है कि पानी से बचाती है, साथ ही साथ में जो धूप के अनइवन रिफ्लेक्शंस होते हैं उससे भी आपको बचाती है, जिससे आप लोगों का लॉन्ग टर्म में जो है बढ़िया चलता है। पहली चीज इसमें हम जो लगा रहे हैं वो है ये छोटी सी चीज ना इसके साथ आती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्राइमर बोलते हैं, मैं खुद भूल गया भाई नाम, ठीक है, इसको प्राइमर बोलते हैं। छोटा सा आता है, देखो ये इतनी छोटी सी इसकी डिब्बी है और ये इतना सा दिखता है। इसको अच्छे से लगाने से फायदा क्या है, आपका जो सरफेस है वो क्लीन हो जाता है, एंड देन यू कैन इवनली अप्लाई जो आप लोगों की टेप होती है। ऑल्दो इसमें 3M लिखा नहीं हुआ है लेकिन ये होगी अच्छी भाई, इसको चिपकाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना कि डिक्की क्रोम जैसे हम लोग लगाते हैं, वैसे ही ये आप लोगों का, हाँ मतलब स्कप प्लेट टाइप का हो गया ये आप लोगों की डिक्की के लिए, ठीक है। ये लाइट वाला नहीं होता लेकिन इसकी फिनिशिंग देखो कितनी बढ़िया, भाई ने बड़े अच्छी तरीके से लगाया है, एंड इट लुक्स रियली रियली नाइस। यहाँ पर हम लोगों की जो है डोर वाइजर लगाया जा रहा है। अभी आप लोगों को अंधेरे में इतना खास तो दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा बाद में लगा के कैसा दिखता है उजाले में। लोगों को ना अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर मोड, पहले हम लोग अपनी स्कप प्लेट को ओपन करते हैं, इसके अंदर से क्या क्या निकलता है देखो भाई, थोड़ा उजाले की दिक्कत है। ये हमारे जो है ये वो हमारे इसका प्लेट हो, ये तो टाई बेल्ट है, टाई बेल्ट है इसके साथ आई है, ठीक है। इसके बाद ये मेन चीज़ है भाई जिसके ऊपर लाइट जलेगी पूरी, ठीक है। इसमें पूरी वायरिंग वायरिंग सब कुछ दी हुई है, आपको दिखाऊंगा अभी पूरा अच्छे से लगा के कैसे लगता है। इसके साथ वायरिंग भाई होगी ना, ये भी वायरिंग भाई ओरिजिनल वायरिंग, कपलर टू कपलर, वेरी नाइस। और ये कुछ टेप वेप दी होगी मेरी ओर से उसको घुमा के लगाने के लिए, टेप वेप है। ये किस लिए होते हैं भाई, ये यूज आते हैं, ये यूज नहीं आएंगे। और ये हमारा दूसरा पीस है भाई, ठीक है। तो अब सीधे तुम लुक देखोगे कैसा लगने को दिखता है, अभी स्टॉक दिखाता हूँ कैसा दिखता है पहले। तो भाई उजाला होने के बाद आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अब कितना चेंज होके आता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे कमाल की बात आप लोग ये देखो कि इसके अंदर जो वायरिंग है वो पूरी की पूरी खिंच के जाएगी, ठीक है,
इधर कपलर भी आपको दिखाएंगे कौन सा कपलर है ना, कपलर कैसा दिखता है। तो गाइस यहाँ से जो एक पीस होता है उसको उतार दिया गया है और भाई ने ये वायरिंग जो है यहाँ से डाली है, ठीक है भाई। और आगे की तरफ में अगर आप लोग देखना चाहो, आगे की तरफ भी आप लोगों की एक वायर आ चुकी है, ठीक है। दोनों जुड़ेगी और फिर आगे जो डोर के साथ होगी उससे ये कनेक्ट हो जाएगी, जैसे दरवाजा खुलेगा यहाँ लाइट जल जाएगी। तो भाई देखो कंपनी वाले कपलर का जो अभी ना इधर एक कपलर खाली दिया होता है और ये हमारा जो हमने तार का डाल रहे हैं यहाँ पर कितना जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। देखो भाई ये आप लोगों का टक करके पैक हो गया, ठीक है। ये खाली दिया जाता है, ठीक है, इसमें कोई यूज़ नहीं होता। इसको अब लगा दिया तो अब लाइट अभी जली कि नहीं जली देखे। तो भाई साहब यहाँ पर आपकी लाइट जल चुकी है, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है भाई दूर से, तो रात के टाइम पे काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में, लेकिन एक नंबर का लग रहा है, वर्थ है भाई करवाना, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल वर्थ है, एक नंबर का। तो आप लोगों का जो है अब उजाले वाले मोड में स्वागत है। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को जो है मैं दिखा देता हूँ भाई, डोर वाइज़र और जो हमारे रेन वाइज़र या फिर सन वाइज़र जो आप बोलते हो, तो ये दोनों जो है ये बिल्कुल सेम देखने को आप लोगों को मिलेंगे। और धूप का भी जो रिफ्लेक्शन है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है, पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो ये आप लोगों का सेट ऑफ 3 इस तरफ आता है, ठीक है। इसी के साथ में जो आप लोगों ने, ठीक है भाई, ये आप लोगों की स्कफ प्लेट है, ये OEM स्कफ प्लेट है, ठीक है। तो ये आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये चारों दरवाजे की जलती है, चारों दरवाजे की जलती है। nice. जैसे हम लोग लगाते हैं नॉर्मली ऊपर से लगता है ना, तो पहले जितने भी महिंद्रा में आते थे ऊपर से लगते थे, अब ये कपलर टू कपलर है, ये एक वर्थ है लगवाने का। ऑल दो इस लाइट से बहुत मेजर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गाड़ी का जो लुक है वो काफी हद तक चेंज हो जाता है, ठीक है। पन्नी इधर की रह गई है, बाद में उतार लेंगे, ठीक है। और सेम अगर आप लोग रियर की तरफ देखते हो तो ये है हम लोगों की रियर की स्कफ प्लेट, ठीक है। तो ये थोड़ी यूज़फुल है जब आप कुछ भी भारी सामान रख रहे हो तो ये काफ़ी यूज़फुल आती है। और हम लोगों ने क्यों नहीं लगवाया भाई साइड वाला फुटस्टेप, ये देखो, पहले घर वालों की रिक्वेस्ट तो थी लेकिन हमने क्यों नहीं लगवाया, क्योंकि उसकी लुक अच्छी नहीं आ रही, उसकी लुक अच्छी नहीं आ रही। ऑल दो वो सॉलिड था, अच्छा था, एंड देट वॉज कॉस्टिंग अराउंड 20-21 हज़ार रुपये का था वो, नहीं, कंपनी में 25 हज़ार का था क्या, 20-21 हज़ार का बाहर आएगा, ऑफ के साथ मिल रहा था सेम चीज़। वैसे आप लोग इनका वो मॉल वाला कोई एक ऐप है उससे भी खरीद सकते हो आप लोग ना, कार मॉल टाइप का। तो अभी के लिए ये मॉड थे, कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। एसेसरी में अभी इतना ही कराया, इसमें और कुछ है ही नहीं करवाने को, तो कोई करवाने की ज़बरदस्ती है नहीं, और कुछ है नहीं, है ना। तो अपनी टॉप मॉडल गाड़ी और अच्छी टॉप मॉडल बन गई। ये वाली जो चीज़ है ना भाई, ये मॉड मेरे को बड़ा ज़बरदस्त लगा, ये सेम वाली जो चीज़ है ना, ठीक है। और तो अब मैं आप लोगों को नाइट मोड की तरफ लेके आ चुका हूँ, रात में इतनी लाइट जलती है इसके अंदर, ठीक है। बाकी इसमें भी आप लोग एक चीज़ लगवा सकते हो जो कि प्रोजेक्टर चीज़ होती है, मेरे को बाद में मिलेगी तो लगाऊंगा ज़रूर। और पीछे ऐसी लाइट दिखती है, इससे कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं होती, लेकिन अगेन लुक वाइज जो है अच्छा लगता है। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो जितनी अच्छी तरीके से मैं एसेसरीज आप लोगों को दिखा सकता था मैंने दिखा दिया। अब मेरी वाली जो गाड़ी है वो है AX7, तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ें बाहर से लगाने वाली है नहीं। और जैसा आप लोगों को पता है एक नया दौर आ चुका है जिसमें सबके सब OEM सामान ही लगाते हैं लेकिन बाहर से लगवाते हैं, तो मैं भी उसके साथ हूँ, मैं भी उसके टेक में हूँ। अगर काम करने वाला अच्छा है जैसे हमारे कार मॉड वाले भाई है, तो ऐसे लोगों से आपको काम कराने का बिल्कुल बर्थ है, जो आपकी वायर जो है पील ना करे। जो काम मैंने आप लोगों को दिखाया ये मैंने शोरूम में जाके करवाया था, मैं चाहता तो बाहर से भी किसी से भी करा सकता था लेकिन मैं शोरूम गया हुआ था, थोड़ा बहुत मेरे को काम था तो मैंने ये चीज़ वहाँ से सॉर्ट आउट करवा ली। बाकी एसेसरीज मेरे को जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी, बहुत सॉलिड है, बाहर आप लोगों को थोड़ा 19-20 का फर्क देखने को मिल जाएगा लेकिन बेस्ट है भाई। मेरा AX7 वेरिएंट है, AX7 लग्जरी के अंदर भी ये चीज़ें आप लगा सकते हो, ये आती नहीं है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगा वो एड्रेनॉक्स के ऊपर है, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है, नरसों भी आ सकती है, वीडियो देखते हैं हम लोग कब निकालेंगे। लेकिन इन्फॉर्मेशन वाइज गाड़ी ऊपर से खड़े होकर कैसे ऑन कर सकते हैं, एड्रेनॉक्स कैसे काम करता है, कैसे ऐप की पूरी वर्किंग होती है, आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा आने वाली वीडियो में। बाकी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके बताओ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम मुसाफिर तगारा, फेसबुक मुसाफिर कास्ट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कीप वॉचिंग एंड बाय।